तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं और इनमें क्या फ़र्क होता है। तो सपोज करो कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है, और ये आपका सपोज स्कूल है। ये आपका स्कूल है, घर से आपके कुछ दूरी पर यहाँ पर सपोज एक आइसक्रीम वाले की दुकान है, और इधर सपोज यहाँ कहीं एक, इधर जा करके यहाँ पे यहाँ कोई एक स्टेशनरी वाले की दुकान है जिसके यहाँ आपको पेन बुक्स वगैरह मिलते हैं, सब वो सब मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आपके घर से जो आइसक्रीम वाले की दुकान है ये सपोज है 200 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। आपके घर और आइसक्रीम वाले से जो स्कूल की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो सपोज है 400 मीटर, ठीक है। आपके घर से जो स्टेशनरी है आपने मान लिया है 100 मीटर पे, और जो स्टेशनरी से आपका स्कूल है वो मान लो है आपका सपोज ये हो गया आपका सपोज 600 मीटर पे, ठीक है। तो ये आपका है। तो अब एक काम कर रहे हैं आप, आपको अपने घर से स्कूल जाना है। आपको कहाँ जाना है, आपको अपने घर से स्कूल जाना है, ठीक है। तो और आप अगर डायरेक्टली सीधा स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस सपोज है घर से 500 मीटर, ठीक है, जो आपका बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है। तो आप स्कूल जाना चाहते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि आप पहले घर से स्कूल के लिए निकले, पहले आप गए स्टेशनरी वाले के, आपने कुछ खरीदा तो आप 100 मीटर चले, फिर आप स्कूल गए तो आप कितना चले 600 मीटर। तो टोटल आप कितना चले, टोटल डिस्टेंस आपने कवर की वो कितनी कवर की, वो आपने कवर की 100 ये वाली और 600 ये वाली, मतलब 700 मीटर आपने डिस्टेंस कवर किया। आपने रास्ता कितना कवर किया, 700 मीटर, अगर आप स्टेशनरी होते हुए स्कूल गए तो, ठीक है। फिर वापसी में आप जब आए स्कूल से, तो आपने मन किया आपका कि आइसक्रीम खाते हुए वापस आते हैं, तो आप इस आइसक्रीम की शॉप तक गए, ठीक है। वापसी में आप पहले आइसक्रीम की शॉप तक गए, तो आपने चले 400 मीटर आप चले, और उसके बाद आइसक्रीम से घर आए तो 200 मीटर, यानी कि आप कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किए, 400 प्लस 200 मीटर, यानी कि 600 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो अगर आप स्कूल जाते हैं वाया स्टेशनरी तो आप कितना ट्रैवल करते हैं, 700 मीटर, और अगर आप स्कूल जाते हैं वाया आइसक्रीम शॉप तो आप कितना कवर करते हैं, 600 मीटर। लेकिन इवेंचुअली आप पहुंच कहाँ रहे हैं, पहुंच तो स्कूल ही रहे ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो आप जब इस पाथ से जाते हैं वाया स्टेशनरी तो आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, 700 मीटर, और जब आप आइसक्रीम वाली शॉप होते हुए जाते हैं तो आप डिस्टेंस कवर करते हैं 600 मीटर। लेकिन एक्चुअल में आप पहुंचते कहाँ हैं, पहुंचते तो आप दोनों बार में स्कूल ही हैं, और स्कूल आपके घर से कितनी डिस्टेंस पे है, 500 मीटर के ऊपर, यानी कि इवेंचुअली आपने कोई भी पाथ लिया आप पहुंचे कहाँ, स्कूल पहुंचे। चाहे आप स्टेशनरी के होते हुए गए तब भी आप स्कूल पहुंचे, और अगर आपने आप आइसक्रीम खाते हुए गए तब भी आप स्कूल पहुंचे, ठीक है। तो दो इस केस में आपने 600 मीटर ट्रेवल किया, इस केस में आपने 700 मीटर ट्रेवल किया, लेकिन आप पहुंचे कहाँ, स्कूल जो कि आपके घर से कितनी दूरी पर है, सीधा सीधा 500 मीटर पर है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हुआ आपका 500 मीटर। तो ये आपका डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ के ऊपर कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या घर से स्कूल तक किस पाथ से जाएंगे, वो आपका डिपेंड करता है डिस्टेंस उसके ऊपर, पाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। आपके घर से स्कूल तक अगर एक सीधी लाइन खींची जाए तो कितनी है, सपोज अगर 500 मीटर की है, तो आप किसी भी रास्ते से होते हुए अपने स्कूल पहुंचे, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 500 मीटर। आप और रास्ते ज्यूम कर सकते हैं, सपोज यहाँ पर कुछ एक है, कोई वीडियो गेम वाला है, यहाँ पर आप वीडियो गेम खेलते हुए स्कूल जाते हैं, ये आपके घर से सपोज 1000 मीटर के ऊपर है, और फिर यहाँ से स्कूल आपका है 200 मीटर के ऊपर। तो अगर आप इस रास्ते से गए तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वीडियो गेम वाले रास्ते से, 1000 प्लस 200 यानी कि 1200 मीटर ट्रेवल की। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ, 500 मीटर। इसका मतलब डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस डिपेंड करती है पाथ के ऊपर, है ना, कि किस पाथ को आपने चूज किया एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर दो पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो जो होगी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो डिस्प्लेसमेंट इज वॉट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पाथ्स, बिटवीन टू पॉइंट्स। एंड वॉट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द पाथ टेकन
टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट इज द लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज टेकन टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए। ये चीज होता है आपका डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो इसको अगर हम डेफिनेशन के तौर पे लिखें तो हम लिख सकते हैं, अगर हम डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ इट डिपेंड्स ऑन द पाथ कि आप किस पाथ से जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये आपका ए है और ये बी है, ठीक है, तो अगर आप ये पाथ चूज कर रहे हैं तो आपकी डिस्टेंस सपोज ये 200, ये 100 और ये 200, तो इस पाथ से आपकी कितनी हो जाएगी 200, ये पाथ वन है, पाथ वन से कितनी हो जाएगी 200 प्लस 100 प्लस 200, मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 500 मीटर। और दूसरा एक पाथ है जिसमें ये आपका 600 मीटर है और ये आपका सपोज 100 मीटर है, अगर आप इस पाथ से जाते हैं पाथ टू से, तो पाथ टू से आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी 600 प्लस 100 मतलब 700 मीटर। तो ये डिपेंड्स ऑन पाथ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी पाथ से जाएं आप पहुंच कर रहे हैं, आप पहुंच तो ए से बी तक ही रहे हैं, और ए से बी तक अगर हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी तो सपोज हमने मान लिया इसकी लेंथ कितनी है, हमने ऐसे ही मान लिया अपनी तरफ से रफली 500 मीटर है, तो आप कहीं से भी होकर के जाएंगे आप पहुंचेंगे कहां 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट करेंगे आप, यानी कि ए से बी तक आप पहुंच रहे हैं तो आप कितना डिस्प्लेस हो रहे हैं 500 मीटर ही डिस्प्लेस हो रहे हैं, आपकी पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है 500 मीटर। तो इट इज को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को कि इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर अ टाइम इंटरवल, है ना। इट इज ऐसे भी कह सकते हैं इट इज द है ना ए और बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, अगर हम ए और बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ये आपका जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि हमेशा आपका चाहे आप ऐसे होकर के आओ चाहे आप ऐसे घूम करके आओ कैसे भी आओगे ए से बी तक, अगर आपका ये डिस्टेंस 100 मीटर है स्ट्रेट लाइन में तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 100 मीटर ही होगा। तो आपका जो डिस्टेंस होती है वो पाथ पे डिपेंड करती है ना, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ टेकन टू रीच फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर अ टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल के बाद उसकी पोजिशन में कितना चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तुम ऐसा सोचो अगर कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो ए से चला, मान लो ए बी सी डी ये आपका एक रास्ता है, सपोज पार्क के किनारे किनारे आपका जो फुटपाथ बना होता है वो आपका है ए बी सी डी, ठीक है, ये आपका 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। आप पहले जाते हैं ए टू बी, आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 100 मीटर, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, भाई देखो सीधी लाइन में ही तो गए तो कितना हुआ 100 मीटर, इज दिस क्लियर। अच्छा आप सपोज आप जाते हैं ए टू सी, तो आपने डिस्टेंस कितनी कवर की 100 मीटर, आप ए टू बी गए फिर 100 मीटर आप बी टू सी गए, मतलब कितना ट्रेवल किया आपने 200 मीटर। लेकिन अगर आप ए से सी जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से सी तक स्ट्रेट लाइन कौन है, अगर हम ए से सी तक स्ट्रेट लाइन बनाए तो यही तो बनेगी। अब इस लाइन की जो लेंथ होगी वो आपका क्या होगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस कितनी है, देखो 100 इस पाथ पे गए, 100 इस पाथ पे गए, ए टू बी 100, बी टू सी 100, तो डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल की 200 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका ए से सी तक, है ना, और ए से सी की लेंथ कितनी है, ये 100, ये 100 और ये आपका रेक्टेंगल आपका स्क्वायर है तो ये आपका 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कितना हो जाएगा, ये 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना जाएगा, बोलो ये आपका 100 रूट 2 मीटर। बोलो क्लियर है ये चीज, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सपोज आप ए से डी जाते हैं, ए टू डी,
अब ए टू डी में आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की बोलो, पहले आप कहाँ से गए, ए से बी 100, फिर बी से सी 100, फिर सी से डी 100, कितना गया 300 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप पहुंचे कहाँ, ए से डी पहुंचे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से डी तक की स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सिर्फ 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस से कम ही आएगा आप किसी, क्योंकि आप तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स, ऑलराइट, वो हमेशा शॉर्टेस्ट होगी, तो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका डिस्टेंस से कम ही आएगा दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज आप ए टू ए वापस आ रहे हैं, ए टू ए, तो आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, पहले 100 गए ए टू बी, फिर 100 गए बी टू सी, फिर 100 गए सी टू डी, और फिर 100 गए टी टू ए, यानी कि 400 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप ए से चले थे और ए पर ही वापस आ गए, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो अगर आप जिस पॉइंट से चल रहे हैं तो किसी भी पाथ के घूम किसी भी पाथ पर घूम फिर के अगर आप उसी पॉइंट पे वापस लौट रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आपकी कभी जीरो नहीं होती है, डिस्टेंस आपकी जीरो तभी होगी जब आप चले ही थी, है ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका चलने के बावजूद भी जीरो हो सकता है अगर आप घूम फिर के उसी पॉइंट के ऊपर वापस आ जाएं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ टेकन टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। या आप ऐसे अच्छे तरीके से जो इसकी बेटर डेफिनेशन होगी डिस्प्लेसमेंट की वो होगी कि इट इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल, ऑलराइट। तो ये आपका हो गया